नमस्कार दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट करौली यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप इंडियन रेलवे पर ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल पे जाना है, इसके बाद IRCTC जो कि अपने इंडियन रेलवे की वेबसाइट है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं www.irctc.co.in, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जो ये आप देख रहे हैं ये वेबसाइट, ये इंडियन रेलवे की वेबसाइट है, यहाँ से आप अपने ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कैसे बुक करवाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये अकाउंट कैसे बनता है, तो आप यहाँ देख रहे हैं ये साइन अप, इस पर आपको क्लिक करना है। साइन अप करने के बाद आपको जो अकाउंट बनाना है उसका यूज़र आईडी डालनी है, जैसे मैंने MyIRCTC8333। इसके बाद आप ये डाल के चेक अवेलेबिलिटी कर सकते हैं। यहाँ पे कंफर्म, ये कंफर्म पासवर्ड डाल दिया है। इसके बाद आप यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चंस, यानी कि आप अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपसे ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछकर आप दोबारा अपना पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया है व्हाट इज़ योर फादर्स मिडिल नेम, जैसे मैंने यहाँ कर दिया PRA प्रसाद। इसके बाद प्रीफर्ड लैंग्वेज, यानी आपको कौन सी लैंग्वेज प्रीफर्ड है, तो आप यहाँ पे इंग्लिश भी कर सकते हैं और हिंदी भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम डाल दिया। ठीक है, फिर लास्ट नेम डाल दिया, मेल, मैरिड अनमैरिड, हाँ, डेट ऑफ बर्थ सिंपली आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद ऑक्यूपेशन, आधार कार्ड नंबर ऑप्शनल है, आप भर भी सकते हैं नहीं भी, पैन कार्ड भी ऑप्शनल है, और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो आपको जो ईमेल आईडी देनी है वो बिल्कुल सही ईमेल आईडी देनी है, क्योंकि सारे मैसेज या मेल आपके जो आप ईमेल आईडी दोगे उसी पर ही आएंगे। तो आपको सही ईमेल आईडी देनी है जिसको आप यूज़ करते हैं, जैसे मैंने। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, इंडिया। उसके बाद आपको अपना एड्रेस देना है, इसके बाद स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी जो भी है आपका एड्रेस, वो आप यहाँ पे नॉर्मली भर सकते हैं। इसके बाद सिटी, पोस्ट ऑफिस जो भी आपके पोस्ट ऑफिस लगता है, वो फ़ोन नंबर। उसके बाद कॉपी रेजिडेंस टू ऑफिस एड्रेस, यस। इसके बाद आपको यहाँ कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ रिफ्रेश करके कैप्चा चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कैप्चा एंटर किया। इसके बाद यहाँ पे है IRCTC न्यूज़लेटर्स, अगर आपको चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, मैंने यहाँ नो किया है। कमर्शियल प्रमोशंस चाहिए तो आप नो, यानी आपके मोबाइल पे कुछ भी सूचना या मैसेज या कॉल आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं वो आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ मैंने सभी नो कर रखा है, मुझे नहीं चाहिए कोई सूचना।
इसके बाद आप यहाँ सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद एक पॉपअप खुलेगा, यू हैव ऑप्टेड नो नो नो, यानी कि आपने जो एक इसका जो कमर्शियल एड है ये आपने नो किया है, ये सारी सिचुएशन है, आप इसको ओके कर दीजिए। इसके बाद आपको जो ईमेल आईडी दी है और फ़ोन नंबर दिए हैं वो आपने सही दिए हैं, आप यहाँ से पॉपअप से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सही लिखा है, सही है, ये ओके कर रहा हूँ। इसको आपको जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये आपको पढ़ना है, और इसके बाद आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका अकाउंट बन चुका है, ये आपको मैसेज के थ्रू और ईमेल आईडी के थ्रू भी, आपके मेल आईडी पर मेल के थ्रू भी मिल जाएगा।